हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग ट्रेजरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बैंक में एवरी ईयर जो वैकेंसीज आती हैं वो जानकारी लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल अमित मल्टी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप आने वाले नए वीडियोज़ को सबसे पहले प्राप्त कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यह बतला दूं कि हर साल जो बैंक में वैकेंसी जाती है, मेरा मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं बैंक की, वो कंडक्ट की जाती है SBI के द्वारा और IBPS के द्वारा और RBI के द्वारा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वैकेंट पोस्ट। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले SBI PO। सो SBI PO एवरी ईयर कंडक्ट्स एग्जाम्स फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड देयर इज द सेकेंड वन, दैट इज SBI क्लर्क। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क के लिए भी पोस्ट्स एवरी ईयर रिलीज करती है। फिर हम देख सकते हैं तीसरे नंबर पर है IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर। जनरली IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर सितंबर या अक्टूबर में कंडक्ट की जाती है और उसके एक या दो महीने बाद IBPS क्लर्क की वैकेंसी आती है। फ्रेंड्स, मैं आपको IBPS का फुल फॉर्म बतला दूं। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन और PO का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, या फिर इसको हम अलग तरह से असिस्टेंट मैनेजर कह सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं पांचवें नंबर पर है RRB PO। RRB PO जो है यह भी IBPS के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है और RRB का फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक। सो रीजनल रूरल बैंक वैकेंसी कम्स एवरी ईयर एंड रिटायरिंग एस्पिरेंट्स प्रिपेयर फॉर दीज एग्ज़ाम्स एवरी ईयर। RRB जो है उसके बाद क्लर्क के लिए भी वैकेंट पोस्ट एवरी ईयर निकालती है। फिर हम देख सकते हैं RBI के द्वारा भी बैंक एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जा सकती है। RBI जो है हर साल ग्रेड बी ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकालती है। RBI ग्रेड बी ऑफिसर से बड़ा वैकेंसी बैंकिंग सेक्टर में और कुछ नहीं है। फिर हम देख सकते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड्स रिक्रूटमेंट। वैसे ये बैंकिंग से ही मिलता जुलता है और इसका सिलेबस भी लगभग बैंकिंग जैसा ही होता है, तो अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं तो आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं NABARD की रिक्रूटमेंट। NABARD जो है इसका फुल फॉर्म है वह है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। NABARD की भी अच्छी खासी पोस्ट एवरी ईयर आती है। उसके बाद हम देख सकते हैं LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। सो इन LIC देर इज अ पोस्ट विच इज कॉल्ड एज असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और AAO। LIC के लिए ADO के लिए भी वैकेंसी रिलीज होती है, वह है अप्रेंटिसशिप डेवलपमेंट ऑफिसर। देन उसके पास आप देख सकते हैं 12वें नंबर पर है NICL। NICL वैसे कोई बैंक नहीं है, लेकिन इसका भी जो सिलेबस है लगभग बैंक के एग्जाम जैसा ही होता है। यह एक इंश्योरेंस कंपनी है। इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। उसके बाद आप देख सकते हैं NICL।
तो इसका फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यह भी एक इंश्योरेंस सेक्टर कंपनी है। देन आप देख सकते हैं एवरी ईयर कैनरा बैंक पीओ की भी वैकेंसी आती है और काफ़ी बार यह अलग से अपना एग्ज़ाम निकालती है। फिर आप देख सकते हैं 15वें नंबर पर है IDBI पीओ। फिर आप देख सकते हैं 16वें नंबर पर है फेडरल बैंक पीओ। फिर आप देख सकते हैं 17वें नंबर पर है फेडरल बैंक क्लर्क। एंड एट द 18th नंबर यू कैन सी बैंक ऑफ बड़ौदा SO। सो SO इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इन बैंक देयर इज़ नीड ऑफ क्लर्क्स, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। सो इन बैंक्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोस्ट विच आर डन विच आर प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स। और 19वें नंबर पर आप देख सकते हैं साउथ इंडियन बैंक पीओ। 20वें नंबर पर आप देख सकते हैं सरस्वत बैंक। फिर आप देख सकते हैं 21 पे आप देख सकते हैं UIIC असिस्टेंट। फिर सिंडिकेट बैंक पीओ। फिर IBPS के लिए भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। सो इसके एग्ज़ाम भी एवरी ईयर कंडक्ट की जाती है। SBI के लिए भी SO की ज़रूरत पड़ती है और यह इसके लिए भी एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। फिर आप देख सकते हैं 25वें नंबर पर LIC HFL है। इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। वैसे LIC HFL की जो वैकेंसी है वो एवरी ईयर नहीं आती है, यह कभी कभी 2 साल 3 साल और कभी कभी उससे भी ज़्यादा टाइम ले लेती है। सो फ्रेंड्स, आज आप सबको मैंने बैंक में जो बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर में जो एग्ज़ाम्स एवरी ईयर कंडक्ट की जाती है उसके बारे में बताया। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं बैंकिंग सेक्टर में और इंश्योरेंस सेक्टर में। तो मैंने आपको 25 तरह के एग्ज़ाम्स बताए जो जिनमें से कम आप 20 एग्ज़ाम्स को एवरी ईयर दे सकते हैं और लगभग सालों भर वैकेंसीज आती ही रहती हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में। तो यह एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो किया ही है आपने। थैंक यू वेरी मच।